मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं आपको बता देता हूँ, पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ बच्चों की दिक्कत यह है कि उन्हें लगा क्वालिटी कम है। एक्चुअली पॉइंट ये था कि जो वीडियोस थी हमने थोड़ा कंप्रेस कर दी उनका साइज को कम करने के लिए, इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो हो गई। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब हम वीडियो को उसी क्वालिटी में अपलोड करेंगे जिस क्वालिटी में बनी है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस और हमने दो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज़ कर देता हूँ। क्या थी इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस थी दो सरफेसेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई थी, इसमें ए बी सी तीनों पॉइंट पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, सेम था। आपने दो प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी इसकी। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घूमने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ता, यानी कि वर्क एट ए पॉइंट बी पॉइंट एट सी पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। सेकंड पॉइंट आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, किससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, उसका रीज़न भी आपने जाना था। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लिखा ये रहा, ठीक है, क्या लिखा है, क्या रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, पास पास आ जाएंगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, दूर दूर हो जाएंगी। समझे आप कुछ बात, ठीक। तो यही बताना की कोशिश है, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं कोई सिनेरियो दिखाऊँ आपको, ये देखो, ठीक है, इसमें आप देखो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इनके वजह से पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना लिया। ये आपने कहाँ सीखा, फर्स्ट चैप्टर में, कि वो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न जाएगा। अब आपने इन दोनों पे क्या किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न बनाया। आप यहाँ देखो इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई। अब जब ये स्ट्रॉन्ग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पास आ गई, ये देखो, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर हैं तो वीक हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई, दूर दूर हो गई। तो देखो इधर की तरफ पास हैं और इधर की तरफ दूर है, समझ गए आप बात। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती हैं वहाँ क्या आ जाती हैं, पास आ जाती हैं, और जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहाँ क्या चली जाती है, दूर दूर चली जाती है। ठीक है, आगे देखो, तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, समझे आप बात, ये वाली। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पा रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कह रही है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहा कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लो जैसे ये सरफेस है, यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा एक नीचे वाला ये रहा, यहाँ पर दो जगह ये दो सरफेस इंटरसेक्ट कर गई। मान लो जहाँ ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है ये पहले वाले सर्कल का भी है दूसरे वाले सर्कल का भी है। जब पहले वाले सर्कल पे ये लाई कर रहा है तो पहले वाले सर्कल पे कोई पोटेंशियल चल रहा होगा 20 20 20, बात सही है, देखो 20 20 चल रहा है। अब दूसरे वाले सर्कल पर पोटेंशियल चल रहा था 10 10 10 वोल्ट। अब ए पॉइंट दोनों पर लाया करता है तो इसका पोटेंशियल 20 हुआ या फिर 10 हुआ, तो आंसर है एक पॉइंट के दो पोटेंशियल तो हो नहीं सकते,
एक पॉइंट का तो एक ही पोटेंशियल होगा, तो अगर एक पॉइंट का एक पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है। रीज़न क्या लिखवाया, इफ़ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। समझे आप बात, पॉइंट सीधा सही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या थी और उसकी चार प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टीज की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल याद रखनी है, पेपर में भी पूछी जाती हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या है वो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न बनाओ। पैटर्न बनाओ मतलब अलग अलग पैटर्न बनाओ, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल, आपसे बोलेगा सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पैटर्न बनाओ, आपसे बोलेगा कि भैया डाईपोल के लिए पैटर्न बनाओ। डाईपोल आपने पहले उसमें पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा था डाईपोल, पहले चैप्टर में भी इसमें भी पढ़ा था, ठीक है। टू इक्वल चार्ज के लिए, टू अनइक्वल चार्ज के लिए, तो इन सब के लिए पैटर्न बनाओ, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो बच्चों, आपके जो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न है, किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे आपने देखा बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, निकल रही हैं, निकल रही हैं, बहुत बढ़िया, लाइन ऑफ फोर्स लिखा है इसमें। अब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन सरफेस बनाते चले जाओगे, परपेंडिकुलर सरफेस, तो कहलाएगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये पैटर्न हो गया, किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हो जाता, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ये देखो बाहर की तरफ जा रही है। बट अगर नेगेटिव चार्ज होता तो केवल इतना अंतर आता कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ थी, अंदर की तरफ, ठीक है, बस इनका एरो चेंज हो जाता और कोई चेंज नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस का पैटर्न होंगे, किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा देखो, दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न किसके लिए, डाईपोल के लिए। अब डाईपोल के लिए देखोगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न, तो पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बना लिया, किसके लिए, डाईपोल के लिए। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, कहाँ जा रही है, नेगेटिव पे जा रही है, ठीक, ऐसे इधर से पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे इधर एंटर हो रही हैं, तो ये डाईपोल हो गया। डाईपोल क्या था, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो डाईपोल पे पहला आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बना लिया आपने, बहुत बढ़िया। जिसने डाईपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न नहीं आता, वो मेरे वीडियोस देख लो जाके, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले बाबा वाले चैनल पे, पहला चैप्टर की डाईपोल वाला सब कुछ उसमें समझा रखा है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। आप देखो इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो पास पास हैं, ठीक, तो जहाँ पास पास होंगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो वो भी पास पास होंगी। यहाँ पे इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार ही हैं कि चार पांच ही हैं केवल, और दूर दूर हैं, तो देखो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगी, दूर दूर। तो आपको ऐसा ही पैटर्न बनाना है, ऐसे सेम सिनेरियो इस वाले के लिए, समझे आप, बहुत बढ़िया। ये हो गया टू अनलाइक चार्ज, या तो इसे अनलाइक चार्ज बोल लो या फिर बोल लो डाईपोल। अगर आपको बनाना है फोर टू लाइक चार्ज, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि पॉजिटिव वाली एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे नहीं, तो यानी कि इस वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो गई और इस वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो गई। तो इस वाले सेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होंगी, पास पास होंगी, सेम इधर, और इधर वीक हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, दूर दूर होंगी, देखो डिस्टेंस, समझे, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर टू लाइक चार्जेस, नेगेटिव होते ही ये दोनों, अभी दोनों देखो पॉजिटिव हैं, अगर ये नेगेटिव होते तो क्या अंतर आता, सिर्फ इतना अंतर आता कि इनके एरो जो बाहर की तरफ हैं वो कहाँ जाते हैं, अंदर की तरफ, दैट्स इट। एक और देख लो, ये लास्ट है, ये है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे जा रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी, जो पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस हो हर लाइन के बीच में, कहलाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनके लिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न बनाना है तो कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर शीट्स, परपेंडिकुलर शीट्स देख रहे हो आप ये, और उनके बीच पे स्पेसिंग कैसी है, सेम, यानी कि पहली शीट और दूसरी शीट के बीच का जो डिस्टेंस है, दूसरी शीट और तीसरी शीट के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
यहाँ पर हर जगह स्ट्रेंथ कैसी रहती है, सेम रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो स्पेसिंग भी कैसी रहेगी पोटेंशियल सरफेस के बीच में, सेम रहेगी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जितना भी पार्ट था वो मैंने आपको ख़त्म करा दिया है इस लेक्चर में। ठीक है, अब आप मेरे को बताना कि क्वालिटी कैसी रही है इस बार की वीडियो की। इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।